गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन वी आर हेयर टू डिस्कस द टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। दिस इज द चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, दैट इज फर्स्ट फ्लाई, अ हेल्प बुक ऑफ इंग्लिश ऑफ क्लास 10। एंड इन दिस चैप्टर द राइटर ऑफ दिस स्टोरी इज लियाम ओ फ्लाहर्टी। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 3 है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इस चैप्टर में आप देखोगे कि यहाँ दो कहानियाँ हैं उड़ने के बारे में। जैसे कि एक है द यंग सी गुल इज़ अफ्रेड टू फ्लाई, एक छोटा समुद्री पक्षी उड़ने से डरता है। हाउ डज ही कन्क्वेयर हिज फियर, वो कैसे अपने भय से जीतता है। एंड अ पायलट इज़ लॉस्ट इन द स्टॉर्म क्लाउड्स, और एक पायलट है जो कि तूफानी बादलों में खो जाता है। डज ही अराइव सेफ, क्या वो सुरक्षित आ जाता है। हु हेल्प हिम, और कौन उसकी सहायता करता है। हेयर द फर्स्ट स्टंजा ऑफ दिस स्टोरी, द यंग सी गुल वॉज एलोन ऑन हिज लेड्ज। लेड्ज मीन्स जैसे कि हम कह सकते हैं कि चट्टान को बोला जा सकता है। जैसे छोटी सी एक समुद्र की चिड़िया अपनी बाहर निकली हुई चट्टान पर अकेली थी। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर, उसकी दो भाई तथा बहन एक दिन पहले ही उड़कर जा चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, और इसे उनके साथ उड़ने में डर लग रहा था। समहाउ व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन, जैसे यह एक छोटी सी दौड़ लगाती है चट्टान के किनारे, थोड़ी सी दौड़ लगाती है फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स, वह दौड़ लगाती है और तथा अपने ही पंख को फड़फड़ाए तो वह डर गई। ही बिकेम अफ्रेड द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, उसके नीचे समुद्र का बहुत बड़ा फैलाव था तथा नीचे और इतने ही डाउन में यह समुद्र फैला हुआ था, इतना लंबा चौड़ा समुद्र नीचे उसे दिखाई दिया। ही फेल्ट सर्टन डैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसे उसे लगा था कि वह निश्चित रूप से लगा कि उसके पंख उसकी सहायता कभी नहीं करेंगे उसे उड़ने में। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल हुज विंग्स वेयर फार शॉर्टर देन हिज ओन, रैन टू द ब्रिंक फ्लैप द विंग्स एंड फ्लू अवे। इसीलिए वो क्या करती है कि वो अपने उसके पंख उसकी सहायता कभी नहीं करेंगे, इसलिए वो अपना सिर झुकाती है उदास होते हुए तथा भाग कर चट्टान के नीचे वह अपने छोटे से सुराख में चली गई, जहां वह रात को सो गई। ही फेल्ट द होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट द नाइट, इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड लिटिल सिस्टर्स हुज विंग्स वेयर फार शॉर्टर देन हिज ओन रैन टू द ब्रिंक फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लू अवे। हालांकि इसलिए वह अपना सिर झुका के वो तो चली गई थी स्टूडेंट्स, सुराख में सो गई उदास होकर के, जब उसके छोटे भाई बहन जिसके पंख इस चिड़िया से भी छोटे थे, वो भाग के किनारे तक गए, उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए तथा उड़ गए, तब भी वह डुबकी लगाने का साहस नहीं जुटा सकी, जो कि उससे इतना निराशाजनक प्रतीत हो रहा था। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम, इसके माता पिता उसके पास आए सिरली, वो उसके आवाज़ पुकारते हुए चहचहाते हुए और उसके पास डांटते हुए आए थे। अपब्रेडिंग हिम, थ्रीटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेट्स अनलेस ही फ्लू अवे, उसे डराया भी, इन्होंने यह बोला कि तब तक तुम्हें भूखा रखा जाएगा जब तक कि तुम खुद से नहीं उड़ोगी, ये इसे धमकी दिया जाने लगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, परंतु अपने जीवन के लिए वह हिल भी नहीं सकी। डैट वॉज 24 आवर्स एगो, यह 24 घंटे पहले की बात है। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, उसके पास कोई नज़दीक नहीं आया। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग, उस दिन से पहले और पूरी दिन भर ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स परफेक्टिंग देम, उसने वो दिन भर देखा कि उसके माता पिता
उसके भाई बहन के साथ उड़ रहे हैं और उनकी फ्लाइट में परफेक्ट बनाने के लिए उन्हें कोशिश कराई जा रही है। द आर्ट ऑफ फ्लाइट टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, कैसे वेव्स को पार जाते हैं, एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और कैसे पानी में डाइव करते हैं मछलियों के लिए। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डेवोर इट। ये 24 घंटे पहले की बात है, तब तक उस तक कोई उसके पास नहीं आया था। एक दिन पहले पूरा दिन उसने अपने माता पिता को अपने भाई बहनों के साथ उन्हें उड़ने की कला में निपुण बनाते हुए लहरों पर मंडराना तथा मछली के लिए डुबकी लगाना सिखाते हुए उसने देखा। वास्तव में उसने अपने बड़े भाई को अपनी पहली हेरिंग मछली पकड़कर चट्टान पर रखे खड़े होकर उसे खाते हुए भी देखा, जब तक माता पिता गर्व से चहचहाते हुए उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। वेल हिज पेरेंट्स से सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट अबाउट ऑन द बिग प्लेटू मिड वे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉटनिंग हिम विथ हिज कोवाडिस। ये दिन भर की बात है जब उसके भाई और उसके पेरेंट्स मछलियाँ पकड़ते हुए अपने फ्लाइट को, उसके भाई बहन के फ्लाइट को उसके पेरेंट्स और निपुण बना रहे थे, और उसके माता पिता गर्व से चहचहाते हुए उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। पूरी प्रातः पूरा परिवार कायरता के लिए उसकी हंसी उड़ाने उड़ाते हुए सामने वाले चट्टान के बीच में नीचे बड़े पठार पर चलता रहा था। द सन वॉज नाउ एसेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑफ हिज लेज, सूर्य अब आकाश में ऊपर चढ़ रहा था तथा उसकी चट्टान पर तेज चमक रहा था। ही फेल्ट दैट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, उसे सूरज की चमक जिसका मुंह दक्षिण की ओर था तथा उसे गर्मी भी लग रही थी क्योंकि उसने कल रात से कुछ नहीं खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज स्टैंडिंग ऑन वन लेग विथ अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग। ही क्लोज्ड ऑन आई देन द अदर एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लाइंग ऑन द प्लेटू हिज लाइंग ऑन द प्लेटू डोजिंग विथ देयर हेड्स सन्क इन टू देयर नेक। तो वो धीरे धीरे अपना स्टेप द पीछे की ओर चट्टान के किनारे पर गई तथा एक टांग को पंख के नीचे छिपाकर दूसरी टांग पर खड़ी होकर उसने एक आंख बंद की, फिर दूसरी तथा सोने का बहाना किया। फिर भी उन्होंने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपने दो भाइयों तथा बहन को अपनी गर्दनों में सिर छुपाकर पठार पर लेते हुए ऊँघते हुए देखा था। उसकी माता पिता अपनी सफ़ेद पीठ पर अपने पंखों को साफ कर रहा था, केवल उसकी माता उसकी ओर देख रही थी। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू। उसकी माता सिर्फ उसकी तरफ देख रही थी क्योंकि वह एक ऊंचे पठार की ऊंची जमीन पर खड़ी थी तथा उसकी सफेद छाती आगे की ओर निकली हुई थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड। नाउ अगेन ही टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले ऑन हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बैक ऑन द रॉक। कभी कभी वह अपने पैरों में पड़ी मछली को काट रही थी तथा अपनी चोंच से उसके दोनों ओर से चट्टान पर रगड़कर साफ करती थी।
The sight of the food maddened him. भोजन के दृश्य को उसे पागल बना दिया था। छोटी सी मछली को भूख लगी हुई थी, वह इस फिश को देख करके उसका दिमाग पागल हो गया था। एंड हाउ ही लव टू टीयर फूड, और उसे इस प्रकार भोजन को काटना काटते हुए दिखाई देना बहुत पसंद आ रहा था। स्क्रैपिंग द बीक नाउ एंड अगेन टू विट इट, एंड भोजन को काटता हुआ कितना पसंद था उसे, चोंच को इस प्रकार रगड़ता रगड़कर तेज करना। सो ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे विद दिस चैप्टर। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल, थैंक यू।